नमस्कार आपको सभी को। एमपी पुलिस का सोपेल से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर डाली है, जिसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि एमपी पुलिस में इस बार क्या चेंजेस मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कमेंट्स आ रहे हैं कि फिजिकल को लेकर क्या अप्रोच रहने वाली है, इस बार फिजिकल में क्या चेंजेस आ गया, क्योंकि अभी भी पेपर 200 नंबर का है। यस, आपने सही सुना, तो 200 नंबर का किस तरह से पेपर हो गया है। 100 नंबर का तो हो गया है आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, एमपी जीके और करंट अफेयर। एक साल का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। तो ये चार पांच चीजें तो ये हो गई, क्लियर है, जिसमें आपका 96-97-98% तक पेपर कवर हो जाएगा। इतने में 90 और ये 10 नंबर का ये। अब दूसरा 100 नंबर जो है वो है पूरा फिजिकल का, और इसमें कहा गया है कि हम इस बार 50% जो है वो फिजिकल को आरक्षित करेंगे। क्या है समझो प्यारे बच्चों, फिजिकल जो है वही है, दौड़ है, गोला फेंक है, और क्या होता है लंबी गोली, वो सारी जो पहले होता था वही था। इस बार क्या होगा, 800 मीटर की दौड़, दौड़ को ही पकड़ लेते हैं, बाकी सब में गोला में आप कल कॉपी के पेज समझ लेना ताकि ये वीडियो बड़ा ना, ठीक है, और शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, क्लियर है, ताकि फिजिकल को लेकर जो थॉट है वो मिट जाए। पहली बात मान के चलो आप 100 में से 80 नंबर ले आए या 100 में से 96 नंबर ले आए, रिटर्न एग्जाम है पहले। अब पहले क्या होता था कि जब आप 96 नंबर ले आए और आप दौड़ क्वालिफाइड हो गए, क्वालिफाइड मतलब 2 मिनट 40 सेकंड मांगी जाती है, कहीं कहीं 50 होती है, वैसे 2 मिनट 40 सेकंड जिन भरी में 50 है, तो आपने 2 मिनट 40 सेकंड में ये कर दिया। 7.5 किलो मतलब 7.5 किलो का गोला लड़कों के लिए रहता है, 4 किलो का लड़की जेब फेंक दिया, लंबी कूद कर ली 13-12 फिट, तो इसमें क्या होता था आपकी नौकरी लग जाती। अब नहीं लगेगी, यस, आपने सही सुना, अब नहीं लगेगी आपके रिटर्न बस के एग्जाम से। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्पष्ट रिक्वेस्ट की थी कि जो बच्चे 3 किलोमीटर दूर रहते हैं वो पैदल आए और जो 5 किलोमीटर दूर रहते हैं वो साइकिल से आए, गाड़ी को स्किप करना पड़ेगा और अच्छे आराम से समझते हैं। अगर आपके 100 में से 96 नंबर आ गए रिटर्न में, अब आप गए फिजिकल की तरफ, तो फिजिकल आपने इसको बिल्कुल लास्ट लाइन पर क्वालिफाइड किया, दौड़ को भी, दौड़ को आपने लास्ट लाइन पर, गोला भी बिल्कुल 13 फुट मांगा तो 13 फिट ही होगा, बिल्कुल थोड़ा सा डाटा में मत जाना, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। लंबी कूद जैसे 6 फिट 8 फिट मांगी वो आपने बिल्कुल 8 फिट ही करी, और कोई बच्चा 80 नंबर लाया और उसने दौड़ 10 मिनट 10 सेकंड पहले कर दी, लंबी कूद में गोला और ज्यादा दूर तक फेंक दिया 5 फुट और ज्यादा दूर, आपकी लंबी कूद 2-4 फुट और दूर कूद गया, उसका सिलेक्शन होगा। दोनों की इक्वल मार्क्स है, पहले आपको दौड़ पर कोई अतिरिक्त नंबर नहीं था, क्यों, ये क्यों किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका मानना है कि गांव के लड़कों को हमें ज्यादा पुलिस में भर्ती करना है एज कंपेयर शहर के लड़कों के। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर ये होगा तो अनडाउटली जो बच्चे फिजिकल में मजबूत होते हैं उनकी भर्ती ज्यादा होगी एज कंपेयर जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आरक्षकों में बिल्कुल इसका प्रबल समर्थक हूं, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आरक्षक जो है फील्ड का काम है, सबसे नीची लेयर है और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना में सबसे पहले आरक्षक को रखा जाता है, फिर अधिकारी कर्म और अधिकारी उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो अब चूंकि गांव की लड़की उनको ज्यादा बुलाना है तो गांव की लड़के इसमें तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब आप ये समझो कि ज्यादा नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। आप सब चीज क्वालिफाइड बस कर गए, नंबर ज्यादा ले आए तो ऐसा नहीं है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत अच्छा ये कर लिया और थोड़ा बहुत अच्छा ये कर लिया तो उसका सिलेक्शन के ज्यादा चांस होंगे। क्या जितने लोग बैठे आप समझा पाया मैं क्या फिजिकल को लेकर चेंजेस है, या और डिस्क्राइब करो, समझ गए ना। पहले क्या था कि 96 इसमें नंबर आ गया और इसमें सब आपने बिल्कुल लास्ट लास्ट में पहुंच गए, 2:40 में दौड़ में पहुंच गए, गोला आपने फेंक दिया 13 फुट और लंबी कूद कितनी रहती, 6-8 फुट, 8 फुट, तो आप इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बन जाती थी।
अब ऐसा नहीं होगा, केवल रिटर्न आधार नहीं होगा, फिजिकल भी आधार होगा, जैसे आर्मी में होता है। इसको लेकिन आर्मी से भी टच मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल नई तरह की चीजें। आर्मी में तो फिजिकल पहले हो जाता है या बहुत अच्छा ले लेते, लेकिन आर्मी में एक चीज आपको पता होगा कि यदि 200 लड़के दौड़ाते हैं तो 30 लड़कों को ले लिया जाता है, बाकी में फिर रस्सी खींच दी जाती है। भले ही दौड़ आपकी 2:40 में है, हो सकता है आपका स्लॉट दौड़े और उससे 2 मिनट में पार कर ले, 1:55 में पार कर ले, तो आप बाहर हो जाओगे। उम्मीद है आपको मैंने बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, शेयर जरूर करें ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूं। हालांकि मुझे पता है मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन क्वालिटी कंटेन है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।